तो दोस्तों रितु रीवा की तरफ से अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हाँ दोस्तों, अब पता चल चुका है कि रितु रीवा इंडियन आइडल सीजन 13 में वापस आ रहे हैं, और इस दिन वापस आ रहे हैं। और कैसे रितु रीवा की इंडियन आइडल सीजन 13 में एंट्री होगी। हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं कि इंडियन आइडल सीजन 13 में रितु रीवा आएंगे और कैसे आएंगे और कब आएंगे। तो अगर आप भी रितु रीवा के फैन हो और अगर आप ये जानना चाहते हो कि रितु रीवा इंडियन आइडल सीजन 13 में कब और कैसे आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आपके प्यारे सिंगरों की सभी रिलेटेड खबरें सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 13 से तो रितु रीवा बाहर हो गए, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों रितु रीवा के फैंस अभी भी चाहते हैं कि रितु रीवा इंडियन आइडल सीजन 13 में वापस आएँ। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अब ये जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि अब इंडियन आइडल सीजन 13 में रितु रीवा वापस नहीं आएंगे। हाँ दोस्तों, इस सीजन में तो अब रितु रीवा वापस नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कंफर्म हो चुका है कि रितु रीवा इंडियन आइडल सीजन 14 में आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस सीजन के बाद 14वीं जो सीजन आएगी इंडियन आइडल सीजन की, तो दोस्तों उसमें रितु रीवा 100% आने वाले हैं। तो दोस्तों अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो इंडियन आइडल सीजन 13 में बिल्ड कार्ड के जरिए या किसी के भी जरिए नहीं आएंगे वापस। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे रितु रीवा के लिए, और अगर आप चाहते हो कि इंडियन आइडल 14 में रितु रीवा आएँ, तो आप हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताओ।